हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल और मैं हूं ब्लैक साउथ। आज मुकाम आ चुका है टीम डी के, जी हाँ टीम डी के सीएस मुकाबले का। जी हाँ, टूर्नामेंट इतने आगे आ चुका है कि अब मैच होने वाला है ग्रुप डी का और इसके अंदर होने वाली है टीम डी वर्सेस बॉस ऑफिशियल। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल पहला ही राउंड और बात करें बॉस की तरफ से, अक्कू 08 देखे नजर आ रहे हैं और साथ के साथ स्कल्टन इनके साथ साथ इनका साथ दे रहे हैं और माजिद बहुत इनका साथ दे रहे हैं और इनके साथ साथ बैंकत इनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह है पूरी बॉस की स्क्वाड और अगेंस्ट में है इनके टीम डी TRN डी रॉकर तो और इनके साथ डी महेंद्र और डी आई। यह है टीम डी का लाइनअप और सामने है बॉस का लाइनअप। तो देखने वाली बात होगी कैसा बैटल होने वाला है, जब लड़ाई बॉस होना आप टीम डी की होने वाली हो तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। 7 राउंडों का मैच होने वाला है, जो सी टीम सबसे पहले राउंड जीतेगी 7 वो मुकाबला जीत के अपने घर चली जाएगी। तो लिमिटेड एमो 9 है और 7 की 7 बता दें तो करेक्टर स्किल डिसेबल है और डबल एक्टर अलाउ नहीं की गई है और सारे के सारे फॉर्म प्लेयर देखे नजर आएंगे इस ग्रुप में। तो देखते हैं कैसा ये बैटल होने वाला, जब दो बड़ी स्क्वाड और दो बड़ी गिल्डें आमने सामने बढ़ेंगी पहले ही सीएसके कस्टम में। तो और यहाँ पे एक एक बंदे को दो तरफ नॉक जरूर निकाला है और यहाँ पे अक्कू 08 यहाँ पे नॉक पड़े और यहाँ पे बात करते हो टीम डी के DRN को कंप्लीट कर दिया और रॉकर भी कंप्लीट हो रहा है कि अक्कू को हील मिल पाएगा, हील मिलने के पूरे चांस है पर वेंकट को भी नॉक ले लेगा। मैच में दोनों टीमें टक्कर का गेम प्ले कर रही है, स्टार्टिंग में 2v2 सिचुएशन होगी, अक्कू को हील कर लिया जाएगा और डी रॉकर को इधर हील कर लिया जाएगा। बैटल फिर भी 3v3 पे आ गया पर डी आई अकेले गए और अकेले जाके कर गए गलती और जाते ही नॉक और बैटल 2v3 का आ गया। मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही है बॉस। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले में अक्कू और इनके साथ साथ स्केल्टन सामने दो बंदे रॉकर महेंद्र 2v3 की फाइट हो गई है। देखने वाली बात होगी सामने 3 बंदे होने वाले महेंद्र और रॉकर दोनों एक साथ बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने 3 बंदे अक्कू को क्या ही लाल, अक्कू पीछे की तरफ है तो किसी बंदे को माजिद बॉस को काफी लाल अक्षरों में खेलते हुए नजर आए। यहां पे बात करें तो सारे बंदे रीपर में दिख रहे हैं हमको, तो रीपर में फैन क्या है इस बार बॉस की स्क्वाड देखने वाली बात होगी। रीपर बॉस ऑफिशियल की स्क्वाड यहाँ पर 2v2 की सिचुएशन, माजिद को जरूर नॉक ले गया है। देखने वाली बात होगी महेंद्र डबल किल के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, डी रॉकर इधर से और यहाँ पर डी रॉकर को भी ले लिया जाएगा और मैच बदल रहा है और अकेले अक्कू और ट्रिपल किल निकाल के अक्कू ने पहला राउंड बॉस ऑफिशियल को निकाल के दे दिया। सेकेंड राउंड के अंदर में आ चुके हैं, फिलहाल टीम डी बना बॉस ऑफिशियल की लड़ाई है। जी हाँ, टीम डी ऑफिशियल बना बॉस ऑफिशियल। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। दोनों तरफ सीएस के बंदे आमने सामने बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं, अक्कू 08 थॉमसन काफी बेहतरीन चला रहे हैं, बंदे को देखा डैमेज बहुत ज्यादा दिया और जाते से ही ले लेंगे टी महेंद्र को। तो महेंद्र का सफाया हो चुका है और यहाँ पे बात करें टीम डी के दो बंदे जरूर नौके, रॉकर और महेंद्र और दो ही बंदे बचे। यहाँ पे बॉस के भी दो बंदे नौके था, देखने वाली बात यही कैच शॉट आया मजीद बॉस को तो 2v2 की फाइट होगी। फिर से मैच बदल रहा है, दोनों तरफ टीमें काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। यह ही आर्यन की जोड़ी इस बार और सामने होने वाली स्कल्टन और विकांत की जोड़ी। तो पिछली बार दो बंदों का दोनों तरफ से दो का पेयर अलग था और इस बार दोनों बंदों का दो का पेयर अलग है, तो पेयर में खेलती हुई नजर आ रही है दोनों ही टीमें। फिलहाल 2-on-2 सिचुएशन, मैच किधर पलटेगा, किधर यह मैच जाने वाला है। राउंड और इतना लेट तक जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे यही को डैमेज पड़ेगा, यही नॉक होंगे और मैच जाएगा इनके हाथों से और जाते हुए नजर आ रहे हैं डी आई और बचे जैसे तैसे पर अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। मेरे ख्याल से 2v2 की फाइट होने वाली है, भसड़ बची हुई है, कौन किसको लेने वाला है। यही को कवर देने के लिए आर्यन जरूर आए, क्या कुछ कर पाएंगे आर्यन ये देखने वाली बात होगी। यही इलिमिनेट हो जाएंगे मेरे ख्याल से और बच गए ही सो लकी तो क्या ही बचे। और यहाँ पे बंदा अपना स्कल्टन की बात करें तो पूरा फाइट लेके खेल रहा है, अभी बात करें तो बेकान पूरा बैकअप दे रहे हैं अपने बंदे को कि कोई भी बंदा आएगा इधर उधर से तो मैं उसको डैमेज दूंगा। टीम डी का टी याई को नॉक लिया, आर्यन अकेले बच गए, वन मैन आर्मी बचा है जो कि कुछ कर पाएगा नहीं। स्कल्टन की डबल किल आएगी और 2-0 से बॉस की स्क्वाड लीड में आएगी। थर्ड राउंड है जी हाँ, और यहाँ पे बात करें तो बॉस की स्क्वाड ने वापसी करना बड़ी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दिया। तो देखने वाली बात होगी फिलहाल मैच के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो बॉस की स्क्वाड काफी बेहतरीन गेम प्ले करती हुई नजर आ रही है अगेंस्ट में टीम डी। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ घटित होने वाला है इस मुकाबले के अंदर, जब दोनों ही तरफ से दोनों लेजेंडरी टीमें आमने सामने होने वाली है। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है, कब किसका किसको कौन कैसे नॉक लेने वाला है। दोनों तरफ से 100% दिया जाएगा क्योंकि दोनों टीमें ये मुकाबला और टूर्नामेंट जीतने के लिए आई है। जी हाँ, ये चल रहा है टीम डी का चैंपियनशिप टूर्नामेंट। तो इसके अंदर बात करें तो कुछ ही चुनिंदा बेहतरीन टीमें हैं इंडिया सर्वर की जो आपस में खेलने वाली है और जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होगा 4.0 टूर्नामेंट आप सबके लिए हाजिर हो जाएगा, जिसके अंदर हर किसी को, जी हाँ हर किसी को मौका मिलने वाला है जो कि लाइव होने वाला है टीम डी के दूसरे चैनल पर। जी हाँ, दूसरे चैनल को जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल सब भूले, क्योंकि उसी चैनल पर आपका लाइव होगा टूर्नामेंट। तो फिलहाल ये फाइट है टीम डी ना बॉस ऑफिशियल की, दोनों तरफ 4-4 बंदे होल्ड करके गेम प्ले चलते हुए नजर आ रहा है दोनों टीमों की तरफ से। देखते हैं कब कौन सा किस पर रस लेने वाला है बंदा। फिलहाल
मैच जोरदार है, दोनों टीमें 100% देंगी क्योंकि दोनों टीमों को मैच जीतना है। इस मुकाबले की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि दोनों टीमें कभी कभी ऐसे बड़े मंचों पर आमने सामने होती हैं तो वो बड़े मंचों पर परफॉर्म करने का एक प्रेशर भी अलग हो जाता है। और क्या ही लाल देखे मैं जरा डी महेंद्रे की तरफ से, हमें बात करें भाई कंध को थोड़े से ही लाल पड़े पर हील हो जाएंगे। यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। डी रॉकर यहाँ पर एक बंदे को जरूर ले जाएंगे, अब 3v4 की फाइट जरूर कर दिए, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है, कब गेम चेंज होगा, कब कौन सी टीम वापसी करने वाली है। मैच काफ़ी बड़ा होने वाला है तो बने रही है एंड तक, क्योंकि कोई भी टीम कभी भी पाला भारी कर सकती है। इन दोनों टीमों में इतना कैलिवर है क्योंकि दो दो बंदे ही कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं और सामने वाली टीम को चौंका सकते हैं। तो फिलहाल 2v4 की फाइट रही है, दो ही बंदे बच गए। माजिद के लाल पड़े जरूर, काफी अच्छे लाल देखे बच रहा है माजिद की तरफ से। और वहीं बात करें तो स्कल्टन क्या कुछ करेंगे, पीछे से आ गए इनके साथ साथ, 2v4 की फाइट है, अब वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं मेरे ख्याल से टीम भी। तो देखते हैं फिलहाल क्या कुछ होने वाला है। देखने वाली बात होगा यहाँ पे पूरी फाइट ली जा रही है दोनों बंदों की तरफ से, माजिद को जरूर नॉक ले लेगा। यहाँ पे बात करें तो यही का हेडशॉट आता हुआ नजर आएगा या फिर डी रॉकर का, देखने वाली बात होगी। अकेले स्केल्टन बच गए और सामने बंदे होने वाला, और क्या ही लाल स्केल्टन का मजा सा आ गया लाल अक्षर देख के इनके। फाइट 2v3 और खत्म, और वापसी कर रही है अब टीम डी की स्क्वाड अगेंस्ट में बॉस। फोर्थ राउंड जो कि मेल के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे बात करें तो मैच काफी घमासान चल रहा है बॉस बनाब टीम डी के बीच में। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, और बंदा सीधा आया और रस यहाँ पर देखा नहीं, शायद डी रॉकर पूरा होल्ड कर रहे थे। जैसा आए डी रॉकर ने धप्पा दिया और फर्स्ट ब्लड निकाल दिया है चौथे राउंड के अंदर। और यहाँ पे माजिद बॉस सामने है, माजिद को भी ले जाएंगे डी रॉकर, रुखे से नहीं रुक रहे, दो राउंडों से बन मैन आर्मी की तरफ परफॉर्म करे जा रहे हैं। अकेले अक्कू सामने रॉकर और हेडशॉट डीआई का, और क्या ही मैच, दो दो पे बराबर हुई दोनों तरफ से, दोनों टीमें क्या ही खेल रही हैं। राउंड है फैक्ट्री के अंदर जरूर बनाया, और टीमें दोनों तरफ से दो दो राउंड लेके इच बराबरी कर चुकी है इस मैच के अंदर। आप अक्कू 08 को जरूर नॉक ले गया कहीं पर, और यहाँ पे याही का फर्स्ट ब्लड आता हुआ नजर आ रहा है। तो याही ऊपर से लाल दे गए एक बंदे को, फिलहाल याही भी 5 किल के साथ काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है इस मैच के अंदर, और क्या ही गेम प्ले करते हुए नजर आ रहा है। नीचे बंदा दिख रहा है डीआई का, तो नीचे कूदेंगे, क्या गलती हो गया, फायदा ही देखने वाली बात होगी, करेक्ट स्किल डिसेबल होने वाली है। और राइट से और बंदे का धप्पा, तो काफी अच्छा शॉट दिया यहां पे, बैकअप कह सकते हैं। बात करें तो माज बैकांत का बैकअप आया जी हां, तो तीन बंदे एक साथ होने वाले हैं बॉस के, बात करें तो तीन बंदे एक साथ हैं सामने टीम डी के, तीन बंदे होने वाले हैं। फिलहाल फाइट काफी जोरदार था, डी रॉकर के लाल अक्षर देखे हमको, डी महेंद्र बाहर की तरफ फाइट ले रहे हैं, यहां पे कोई है नहीं, हां बाहर एक बंदा आ गया, तो वन ऑन वन एक और बंदे से फाइट ली जा रही है, तो इनके सामने कौन होने वाला है यह जरूर देखने वाली बात होगी। बैकांत बाहर की तरफ है, डी महेंद्र के पास, दोनों की हेल्थ महेंद्र और इनकी हेल्थ लो है, तो फिलहाल क्या होगा। डी रॉकर अकेले है, तो डी रॉकर पर रस कभी भी मार सकती है टीम, क्योंकि इनको पता होना चाहिए डी रॉकर अकेला होने वाला है यहाँ पे, और वही किया और सीधा रस लेके कंप्लीट कर दिया क्योंकि डी आर्यन बाहर की तरफ है और डी महेंद्र भी। तो फिलहाल 2v3 की फाइट में टीम डी, अब 2v2 की फाइट डी महेंद्र के पास, मूवमेंट है, रफ्तार है और एक और बंदे का डैमेज इतनी ही देर में, तो देखने वाली बात हुई क्या कुछ होने वाला है। बेकांत को हील नहीं किया जाएगा, माजिद बॉस स्किल के साथ खेल रहे हैं, एक और स्केल्टन भी पूरा कवर देंगे यहाँ पे, महेंद्र और आर्यन रह गए, तो आर्यन और क्या ही लाल, क्या ही डैमेज देखे मच रहा है एक बंदे को काफी अच्छा। तो फाइट 2v2 की हो गई है, मैच बदल सकते हैं कभी भी क्योंकि दोनों लड़के काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और देखते ही दोनों बंदों की फायर पावर ने एक साथ मिलकर डी आर्यन को नॉक लिया है। अकेले महेंद्र रह गए, महेंद्र के सामने दो बंदे रहने वाले, तो महेंद्र 1v2 में क्या कुछ करेंगे देखने वाली बात होगी। आर्यन नॉक पड़े हुए ऊपर, अंदर घुसेगा बंदा और डी महेंद्र को ले जाएगा स्केल्टन, और साथ के साथ मैच में लीड लेगी बॉस की स्क्वाड 3-2 से। सिक्स राउंड जी हाँ, छठे राउंड के अंदर हम फ्लॉल आ चुके हैं, और दोनों टीमें जी हाँ दोनों टीमें काफ़ी बेहतरीन और उम्दा गेम प्ले करती हुई नजर आ रही हैं अपनी अपनी साइड से फ़िलहाल। तो इस मैच के अंदर देखने वाली बात होगी, कभी एक राउंड हो तो कभी एक राउंड हो, कभी एक राउंड, देखते हैं। फिलहाल 4-on-4 है, छठा राउंड और दोनों टीमें टक्कर का गेम प्ले कर रही हैं, एक एक राउंड दोनों टीमें ले रही हैं, कभी एक वो एक ये एक वो। तो डी रॉकर 4 किल के साथ डी आर्यन ऊपर की तरफ है, और इनके पास कोई ना कोई बंदा है शायद जो इनको होल्ड करने वाला है, तो देखने वाली बात होगी ऊपर कौन है। अक्कू 08 तो पड़ा है MP5 से लाल, MP5 से पड़ा खतरा, और डी महेंद्र का फर्स्ट ब्लड आएगा इस राउंड के अंदर, और फाइट 3v4 की फिर से लाल 3v4 की फाइट है। क्या टीम डी के बंदे अकेले घुसने की गलती करेंगे या फिर एक साथ एंट्री लेने वाले हैं फिलहाल, क्योंकि देखने वाली बात होगी बॉस ऑफिशियल ने पूरा का पूरा घर अपने कब्जे में ले रखा है नीचे से अंडरग्राउंड, तो ऊपर की तरफ ही एडवांटेज ले सकते हैं टीम डी के अंदर। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या एंट्री मिल पाएगी टीम डी के बंदों को अंदर, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्कोप लगा के एम बना के बैठी होगी बॉस की स्क्वाड सामने, जैसे कोई जाएगा। और हम पे बात करें तो बेकार बहुत ज़्यादा अहम पारी खेल सकते हैं यहाँ से इस जगह से, और डी आई अंदर आ चुके, अंदर घुसेंगे क्या ले पाएंगे। अब फाइट 1v1 की, और डी आई को बॉडी शॉट से छेद दिया, फाइट 3v3 की आ गया।
है, मैच बदल रहा है और टीम डी की स्क्वाड में मुसीबत है और महेंद्र यहाँ पे पूरा पूरा ट्राई किए जा रहे हैं कि ग्लू बॉल तोड़ के मैं सामने वाले बंदे को ले सकूं, पर नहीं, यहाँ पे दो ही बंदे नीचे होने वाले हैं। तो बॉस की स्क्वाड हमें भारी पड़ रही है, पूरा घर अपने कब्जे में ले रखा है, अभी तक कंट्रोल नहीं छोड़ा है घर का, बात करें तो देखने वाली बात होगी। माजिद बहुत पीछे कवर दे रहे हैं, तीनों बंदे एक साथ यहाँ पे, बात करें तो चिपक के और टीम डी के दोनों बंदे बाहर की तरफ होने वाले, तो इनको एंट्री नहीं मिलने वाली है घर के अंदर। तो देखने वाली बात होगी कैसे एंट्री लेंगे, और अच्छा खासा कवर दिया और खुद फंसा दिया है डी महेंद्र को, क्योंकि वॉल लगा दी थी और टीम डी के बंदे सारे घर के बाहर होने वाले, तो एंट्री सब बंद। तब टीम डी के बंदे अंदर जाने के लिए मुश्किलें पूरी और डैमेज बहुत ज्यादा खा लिया, क्या डी महेंद्र अलाइव हो पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, मुश्किल लग रहा है क्योंकि बंदे पास और ग्लू बॉल तोड़ी और बंदा अंदर घुसेंगे और मुसीबत है। डी आर्यन अंदर नहीं जाएंगे, उनको पता है अगर अंदर गए घर में तो बच नहीं पाएंगे, और बॉस की तरफ से अकेला कौन बचा है, नहीं बॉस के अभी भी सारे बंदे अलाइव है। तो देखने वाली बात होगी राउंड कौन लेने वाले, आर्यन या बॉस, आर्यन या बॉस, आर्यन या डी, आर्यन या डी, आर्यन या डी, आर्यन नहीं, आर्यन या बॉस, और मैच बराबरी पे। तो डी आर्यन ने चालाकी दिखाई अगेंस्ट में बॉस ऑफिशियल। सातवां राउंड चरम पर है और दोनों टीमें तीन तीन का मैच लेके खेली और लास्ट राउंड जैसे डी आर एन ने निकाला, जी हाँ, इनको पता था कि बॉस की स्क्वाड नीचे इनको स्पेस नहीं देगी, पूरा घर पैक करके रखेगी, वहाँ पे टीम डी को घुसना भारी हो जाएगा। डी महेंद्र का फर्स्ट मिनट आ चुका है, फिर से मैच 3v4 पर आ गया, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। डी आई को इस बार अलग ही जगह पर हट दी गई है, तो देखते हैं कैसा बैकअप देने वाला है और डैमेज अच्छा खासा दिया है, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। पूरी स्क्वाड 3v4 में बैटल कर रही है अब बॉस की, तो देखने वाली बात होगी क्या टीम डी की स्क्वाड लीड में आएगी पहली बार इस गेम के अंदर, तो देखने वाली बात होगी। काफी बड़ा मैच है दोनों टीमों के बीच और स्कल्टन को काफी अच्छा डैमेज पड़ा है और काफी अच्छा गेम प्ले करती हुई नजर आ रही है बॉस की स्क्वाड। बात करें तो फिलहाल अक्कू को भी नॉक ले गए, 2v4 की फाइट हो गई है, मुसीबत में दिख रही है बॉस ऑफिशियल। तो फिलहाल क्या कुछ होने वाला है और DI का एक और हेडशॉट आ रहा है डिजिट ईगल से, तो DI काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस गेम के अंदर। बात करें तो 2v3 की फाइट होगी, फिर से दोनों बंदे एक साथ हैं, वेकांत और स्कल्टन दोनों बंदे चिपक के खेल रहे हैं और बॉल लगा दिया, जैसे इन्होंने टीम डी के साथ किया वैसे इनको अटका दिया गया। क्या ये बाहर जा पाएंगे, जी हाँ, बाहर निकलने की ट्राई है, बाहर निकलेंगे, चार चार बंदे खड़े हैं मुंह पे और धप्पा देके राउंड निकाल लिया है टीम डी ने। एट राउंड फिलहाल आठवां राउंड है जो कि कटोल स्टीवा के अंदर बनता हुआ नजर जरूर आ रहा है और 4-3 से लीड में हैं भारतीय स्क्वाड टीम डी और भारतीय स्क्वाड बॉस भी कह सकते हैं, हम दोनों ही टीमें भारतीय की हैं, तो कोई भी दोनों टीमों के बीच में हेट ना होनी चाहिए, चाहे इस मुकाबले को टीम डी जीते या है बॉस ऑफिशियल जीते, क्योंकि एक सिर्फ एक टूर्नामेंट का और एक CS का मैच है, तो हेट वेट बनना बेकार रहता है गेम के अंदर, खासकर क्योंकि गेम है, गेम एंजॉय के लिए खेलो, मजे के लिए खेलो, हार जीत चलती रहती है। फिलहाल 4-on-4 की फाइट है, क्या कुछ होने वाला है, क्या बॉस की स्क्वाड अब वापसी करेगी, क्योंकि टीम डी की स्क्वाड ने लीड जरूर बना लिया 7 किल के साथ, महेंद्र और यही खेल रहे हैं 7 किल के साथ, बेकांत भी खेल रहे हैं, तो काफी अच्छा देखने में नजर आ रहा है इनकी तरफ से, किल फील्ड अच्छी खासी निकलती हुई नजर आ रही है, काफी अच्छा गेम प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं बॉस की तरफ से लड़के। फिलहाल 4-on-4 किधर ये मैच बदलने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों टीमें इस बार होल्ड पर गेम ले जा रही है, कोई किसी को फालतू का रस नहीं देगा, क्योंकि एक भी बंदा ज्यादा लॉस होता है उधर डिसएडवांटेज हो जाता है, जहां उधर राउंड जाता हुआ नजर आता है, सामने वाली टीम तुरंत राउंड ले जाती है जैसे एक बंदा नॉक होगा, एक बंदा बहुत ज्यादा क्रूशल होता है दोनों ही टीमों के लिए, चाहे कोई भी टीम हो। फिलहाल महेंद्र को नॉक ले लगा, क्या बॉस ऑफिसर वापसी करेगी अगेंस्ट में टीम डी, अब लगने लगा क्योंकि एक बंदा नॉक है और मुसीबत में देखेगी टीम डी की स्क्वाड। फिलहाल देखते वाली बात होगी डी आर्यन की भी हालत बहुत ज्यादा लो होती हुई नजर आ रही है, डी आर्यन अपने आपको हील करेंगे, जी हाँ हील करेंगे, डी आई ऊपर है और ये भी नॉक हो जाएंगे, आगे पीछे से घेर गया है और 2v4 की फाइट अब वापसी कर रही है बॉस ऑफिशियल अगेंस्ट में टीम डी। तो देखने वाली बात होगी टीम डी की स्क्वाड क्या कुछ करने वाली है, बॉस की स्क्वाड काफी बेहतरीन गेम पे करते हुए आ रहे हैं लड़के का, और यहाँ पे माजिद बॉस को हेड पड़ा है, किसका पड़ा है, और एक और बंदा लाल, तो डी आर्यन एंड में आके गेम प्ले निकालते हुए नजर आ रहे हैं, दो दो बंदों को ले गए, क्या दोनों बंदों को कंप्लीट करेंगे, जी हाँ दोनों बंदों को कंप्लीट करने के लिए जरूर आए, बैटल फिर से 2v2 आ गए, रॉकर आर्यन की जोड़ी सामने, दो दो बंदे होने वाले हैं, आर्यन की भी डबल किल, अक्कू और साथ के साथ स्कल्टन दोनों एक बंदे को टारगेट करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है एक बंदा इतनी देर में पीछे से आएगा, इतनी देर में हम डी रॉकर को टारगेट करके ले सकते हैं, बंदे का रस हुआ है, पीछे से बंदा आया, डैमेज देने की ट्राई है और बंदे सबके शॉट मिस हुए और हेल्थ बहुत ज्यादा लो, डी और रॉकर को ले लिया जाएगा, डी रॉकर को ले, और स्कल्टन की भी हेल्थ 50 से कम, और एक और किल, क्या यहाँ पे क्वाड्रा आ रही है, जी हाँ क्या यहाँ पे क्वाड्रा मारने वाले डी आर एन, क्या कुछ होने वाला है, ट्रिपल किल आ चुका, नीचे कूदेंगे और नॉक होने की कगार पे, 70 की हेल्थ, सामना अकेले बंदे ट्रिपल किल आ रही है यहाँ पे आर्यन की तरफ से इस गेम के अंदर, चले तो ऐसे चले कि हिला दिया, और डी अक्कू, जी हाँ अक्कू 08 पूरा ट्राई करेंगे इस राउंड को ना दिया जाए टीम डी के मेंबर्स को। फिलहाल देखने वाली बात होगी आर्यन के पास हेल्थ कितनी है और बेस्ट हेलमेट, और यहाँ पे डैमेज चल दिया है, कौन किसको लेगा, ना बात है, क्या ही हेडशॉट आता हुआ नजर आया अक्कू 08 की तरफ से, मैच क्या ही जोरदार चल रहा है, उम्मीदें यही थी कि इन दोनों टीमें जब आमने सामने बढ़ेंगी तो मैच ऐसा ही जोरदार देखने में नजर आएगा, 4-4 पर बराबरी दोनों ही टीमों की तरफ से, दोनों ही टीमें काफी बेहतरीन गेम प्ले दिखा रही हैं, दोनों टीमें हार मानने का नाम नहीं ले रही, और देखते से यहाँ पे स्कल्टन को जो नॉक लिया, और यहाँ पे देखते से बेकांत का रस होगा, डी आई के ऊपर क्या रस कंप्लीट हो पाएगा, और डी आई आगे की तरफ देख रहा हूँ खेल लिया गया है, और डी आई को, और डी आई लो हेल्थ पर क्लच करे, पर यहाँ पे अक्कू 08 का कवर जरूर आया क्योंकि ऊपर अक्कू थे और राइट में बंदे ना के डी आई को लिया, पर मैच फिर से 2v2 पे, एक और बंदा लॉक, मैच
2v2 पर आ चुका है। स्कल्टन और माजिद बॉस की हेल्थ बहुत ज्यादा लो होने वाली है, तो टीम डी के बंदे हम यहाँ पे चढ़ने चाहेंगे क्योंकि दोनों बंदों की हेल्थ बस 20-30 की है। तो स्कल्टन अपना आपको हील कर रहे हैं, साथ ही साथ माजिद बॉस की हील कर लिया गया है। पूरा पूरा फाइट 2v3 को सामने कौन बंदा और एक और बंदा नॉक हो गया। माजिद बॉस अकेले रह गए, बंदे होने वाले तीन और टीम डी की स्क्वाड फिर से आगे निकल तो इन्हें से आ रही है 5-4 से मुकाबला। क्या ही चल रहा है यार, 10वां राउंड चरम पर है और टीमें काफी अच्छा बेहतरीन गेम प्ले कर रही है जी। 5-4 से लीड में हमको दिख रही है टीम डी की स्क्वाड अगेंस्ट में बॉस। तो देखने वाली बात होगी बॉस की स्क्वाड क्या कुछ करने वाली है। बॉस ऑफिशियल काफी अच्छा गेम प्ले करने के नाम से मशहूर, सीएस के अंदर भी काफी अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं लड़के। तो देखने वाली बात होगी, काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी इन लड़कों से। बेकांत 8 किल के साथ MVP बने हुए अपनी साइड से, और स्कल्टन 6 किल के साथ, और 5 किल के साथ अक्कू और 1 किल के साथ माजिद बॉस, और उनके साथ साथ सामने से टीम डी की तरफ से डी रॉकर 6 किल और 4 किल डी आर्यन और 8 किल डी मैनर 7 किल आई। तो सारे बंदे एक कुल टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे बॉस ऑफिशियल के 2 बंदे ऊपर जरूर चढ़ रहे थे पर नीचे आ चुके हैं। इनको पता है इतने टीम डी के बंदे नीचे फाइट लेने के लिए आ चुके हैं फाइट। तो अगर नीचे फाइट के चक्कर में स्कल्टन को नॉक ले लिया गया, ऊपर बंदे चढ़ रहे थे तो पीछे से आके टीम डी के स्क्वाड ने हिला दिया है थोड़ा सा, और मैच में दिक्कतें पैदा कर दी है बॉस के लिए। फिलहाल मैच में देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। 3v4 की फाइट होगी, सामने 4 बंदे होने वाले टीम डी का, 2v4 की फाइट होगी। बॉस ऑफिशियल की स्क्वाड मुसीबत में, एक और बंदे को हेडशॉट आया DI का, तो DI के लाल अक्षर देखने में आएंगे। फिर से यहाँ पे 9v किल कंफर्म करेंगे DI डेजर्ट ईगल से। आर्यन को नॉक ले लिया, अकेले बेकांत फाइट ले रहे हैं, दो बंदों को ले गए। क्या थर्ड वन नहीं, यहाँ पे DI डबल किल के साथ टीम डी की स्क्वाड 6-4 से लीड मार रही है। 11वां राउंड है शिपयार्ड का राउंड और बैटल जोरदार, और टीम डी स्क्वाड ने लास्ट 2 राउंड से अपनी तरफ खींचने स्टार्ट कर दिया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जी हाँ, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो का लाइक 30,000 रहने वाला है। जो भी आ रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो, और कमेंट में बताओ अभी से कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, क्योंकि बॉस ऑफिशियल कभी भी वापसी कर सकती है। बॉस के बंदों के अंदर दमखम बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं कब वापसी करेंगे। और जी हाँ, ये टूर्नामेंट चल रहा है टीम डी CS चैंपियनशिप का 3.0 जो टूर्नामेंट में टीम डी और बॉस आपस में भिड़ी हुई है। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने, और जो अगला टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर हर किसी को मौका मिलने वाला है जी हाँ, जो कि लाइव होगा टीम डी आर्मी के चैनल पर। तो जाके शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो चैनल को, लिंक है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसी पे ही आप सबका टूर्नामेंट हो लाइव होने वाला है। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए, तो इसी वजह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। जैसे हमारा पूरा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से हो पाएगा, देन हम तुम्हारे लिए एक और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर देंगे जिसमें आप सबको मौका मिलेगा, जो कि लाइव होगा टीम डी के। तो देखने वाली बात होगी, तो चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना और सब्सक्राइब करके बिल्कुल से आना। फिलहाल पावर भी फोर की फाइट है, क्या बॉस ऑफिशियल वापसी कर रही है इस मैच में। देखने वाली बात होगी, सामने बंदा है माजिद बॉस, फिर से नॉक होते हुए नजर आ रहे हैं। राइट से बंदे ने बन टैप दिया किसी ने, कौन होने वाला है बंदा, डी आर्यन का बन टैप आया, सॉरी ऑक्स हेडशॉट आया। फिर 4v3 की फाइट, 3v4 की फाइट, बंदे को लाल मारा है डी आर्यन, लाल अक्षरों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैच में 2v4 सिचुएशन, फिर से क्या हील किया जाएगा, जो बंदा नॉक है अक्कू क्या हील हो पाएंगे। जी नहीं, बॉस के स्क्वाड अब मुसीबत मारी, अकेले माजिद रह गए, तो माजिद के सामने DI घुसेंगे और क्या ही लाल मारे माजिद ने, 2 लाल अक्षर खेलते हैं ग्राउंड के अंदर और मैच खत्म। टीम डी की स्क्वाड 7-4 से जीत गई मुकाबला अगेंस्ट में बॉस, और MVP रहे टीम डी की तरफ से DI 10 किल के साथ, और अगेंस्ट में बात करें तो बेकांत जो कि बॉस की तरफ से 8 किल के साथ MVP रहे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और टीम डी के किसी भी बंदे का गेम प्ले पसंद आया तो यूट्यूब और इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर फॉलो करना बिल्कुल से बोलो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल, और हाँ दूसरे चैनल पर जाना बिल्कुल से बोले जी।